गधे की सवारी। किसी दूर दराज के एक गांव के मेले से एक बाप और उसका बेटा अपने गांव की ओर लौट रहे थे। मेले में उन्होंने एक गधा खरीदा था। रास्ते में उन्होंने सुना कि कोई बोल रहा था, अबे देखो इन मूर्खों को, गधा इनके पास है फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। दोनों ने सोचा बात तो ठीक है और वो दोनों गधे की पीठ पर चढ़ गए। रास्ते में उन्होंने फिर सुना कि कोई व्यक्ति फिर कुछ कह रहा था, अरे देखो देखो उस गरीब गधे को, दोनों हट्टे कट्टे मुस्टंडे किस तरह उसका कचूमर निकाल रहे हैं, बेचारा मुश्किल से ही चल पा रहा है। बाप को दया आ गई, वह गधे की पीठ पर से नीचे उतर गया। जब वह खेतों के पास से गुजर रहे थे तो एक औरत की आवाज उनके कानों में पड़ी, लड़का भी कितना बेशरम है, बेचारा बूढ़ा तो पैदल चल रहा है और लड़का गधे की सवारी का मजा लूट रहा है। अच्छा होता यदि वह पैदल चलता और अपने बाप को गधे पर चढ़ने देता। लड़का नीचे उतर आया और बाप गधे की पीठ पर सवार हो गया। वो अभी गांव के पास पहुंचे ही थे कि एक पास से गुजरता हुआ व्यक्ति बोला, वाह भाई वाह, पहली बार ऐसा स्वार्थी आदमी देखा है, जो आप तो मजे से गधे पर लदा हुआ है और अपने मासूम बेटे को पैदल चलने पर मजबूर कर रहा है। बस फिर क्या था, उन दोनों ने गधे को बांस के साथ उल्टा बांधकर अपने कंधों पर उठा लिया और अपने घर की ओर चल दिए। जैसे ही वह घर के पास पहुंचे सब लोगों की हंसी फूट पड़ी। एक बुजुर्ग गांववासी आगे बढ़ा और पूछने लगा, गधे को इस तरह उल्टा लटका कर क्यों ला रहे हो, क्या यह लंगड़ा लूला है कि यह चल नहीं सकता। बाप ने रास्ते में जो जो हुआ वो सब जब उसने उन्हें विस्तार पूर्वक बताया तो वह बुजुर्ग बोला, अपने दिमाग का प्रयोग ना करके तुम दूसरों के कहे अनुसार सब करते रहे, इसीलिए आज तुम पर सब हंस रहे हैं। आप ठीक कहते हैं श्रीमान, सबको खुश नहीं किया जा सकता।